पहाड़ों में आज हमारी सवालबात होगी। क्या शबनम? बात है, क्या बात है। शबनम ये काम मत करो शबनम। हमारे साथ अब सलमान की वाइफ मौजूद है, ठीक है जी। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? We are going to Pakistan to attend one of my closest friend. Yasir bhai ko hum surprise denge. Mujhe kal hi pata chala ki unki shaadi hai. But unfortunately, Yasir bhai ki taraf se nahi pata tha. Sirf ye tha ki Ahmed ne mujhe bataya ki Yasir bhai ki shaadi hai. But Yasir bhai ne hame apna card bhi nahi bheja. Ye Yasir bhai se gila hai. लेकिन अभी हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। सो मैंने डायरेक्ट फ्लाइट ली है 2 दिन की, क्योंकि उनकी शादी मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी एक वीडियो थी, यू कैन सी दिस वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। सो वीडियो चल रहा है, मैं असन को मिस कर रहा हूँ, असन को सेंड करने के मैं उसको मिस कर रहा हूँ एयरपोर्ट। और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँचें, और यासिर भाई को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, एंड वी विल गिव हिम द सरप्राइज। सो लेट्स सी, ये लोग क्यू में लगे हुए हैं, वी विल नॉट, हम उसमें क्यू में नहीं लगेंगे। हम लोगों के पास एमिरेट्स आईडी होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली स्मार्ट गेट से एंट्री करेंगे। दुबई से एग्जिट हो जाएंगे राइट साइड पर, हमारे फ्रो से गेट। ये हमारा बोर्डिंग पास है, और ये कुछ हमने ड्यूटी फ्री से शॉपिंग कर ली, और ये हमारा ब्रेकफास्ट एंड ऑफ एमिरेट्स। हम देख रहे हैं, अब देखते हैं, हमारे अभी फ्लाइट में टाइम है, बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, जैसी बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो इंशाल्लाह वी विल गो। वन मोर थिंग, अहमद आई कैन गो बैक टू पाकिस्तान 2 टाइम्स, हमेशा अहमद लेट होता है, हमेशा। जब उसको कहो कि भाई इतने की फ़्लाइट है, वो उस वक्त घर से निकलता है जब मैं लैंड होके खड़ा होता हूँ वहाँ पर, और हमेशा लेट होता है। और इस दफ़ा मेरे इसको कल रात को बता दिया कि अगर इस दफ़ा तुम लेट हुए तो फिर उसके बाद तुम अपने ज़िम्मेदार खुद होगे। और कहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि पहुंचेगा, ये कभी भी टाइम पे नहीं आता, कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होती, और ये कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा, आई नो दैट वेरी वेल। बट उसने कहा है कि इस दफ़ा ड्राइवर ऑन टाइम और ऐसी ऐसी फजूल बकवास की है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ये बगैरती से जाए। कुत्ते की तुमको वो 100 साल पत्थर के नीचे रखो ना, निकालो वो फिर टेढ़ी होती है, ये भी वही है, ये नहीं ठीक होने वाला, ये भी टाइम पे कभी भी नहीं पहुँचेगा, आप देख लीजिए। ओके, सो हम पाकिस्तान पहुँच गए हैं, और अभी लगेज का वेट कर रहे हैं, लगेज वेट करके देखते हैं, एंड लेट्स सी अहमद टाइम पे आया है कि नहीं, लेट्स सी। ओके, सो फाइनली हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। आगे अभी सुबह संडे मॉर्निंग है, यहाँ से हम लोग अब सवात के लिए निकलेंगे गाड़ी पे, ताकि हम उनको टाइम पे पहुँच सकें, और आगे इंशाल्लाह जाके उनको सरप्राइज देंगे। खान को सरप्राइज देना है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं। सो आई विल किक हिम इन एस। अभी सलमान को कॉल कर रहा हूँ, तो अभी कॉल नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये बाइक चला रहे हैं। ये सलमान साहब आ गए हैं, ये उससे मिल रहे हैं, तो नहीं पता कि अभी इसका बाप भी इधर आया हुआ है, मुलाकातें देखो कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ से अभी निकल गए हैं सवात के लिए,
रास्ते से हमने इस भाई को भी उठा लिया, जैसे कि आपने देखा था, हमने इसको भी सरप्राइज दिया। अब हम जा रहे हैं, छोटे से बच्चों को सरप्राइज दिया, सारे बच्चों को लेके अब हम जा रहे हैं सवाद यासिर भाई को सरप्राइज देने। और उनका सरप्राइज बड़ा कमाल का है। उनका सरप्राइज ये है कि सलमान और भाई जाएंगे, भाई पहनेगा बुर्का, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सबसे पहले क्योंकि उनका रिसेप्शन है तो सब लोग बड़े होंगे और वो बड़े स्टाइल से उस पर बैठे होंगे। बड़ा सोबर किस्म का जो है आज का फंक्शन है, तो उनकी रिसेप्शन है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई को बुर्का बना के सलमान की बीवी बना के लेके जाएंगे और सलमान अपनी बीवी को पेश करेगा यासिर भाई के सामने एज अ गिफ्ट, और फिर वो मुमताज में गले मिलना। और उसके बाद उस टाइम तो उनका जो होगा होगा, उसके बाद उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी उनको ये नहीं पता कि ये हसन आ गया है, क्योंकि उनका ये जो क्लिप है कि हसन भाई, इवन उन्होंने मैसेज किया आप आ सकते, आप नहीं आ सकते थे वरना मैं आपको पहले बताता, बट उन्होंने जितना टाइम में बताया मैंने उसी टाइम में अरेंज करके हम पहुंच जाएंगे। जी ये देखें जी क्या मौसम है, स्पीड लेवल फुल स्पीड जा रही है और ये मौसम भी बड़ा वसीम यासिर भाई से मिलने के लिए हमने इधर देखिए मीटर मारा हुआ है, अभी हमारे पास यही है, ये साबनदानी है लेकिन हमने इसमें भी मीटर मारा हुआ है, देखें आप। हाँ जी, तो बस अभी पहुँच रहे हैं सीधा। अभी भाई जो है बुर्का पहन रहा है, ठीक है, तो देखो कि यहाँ से बस सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया। सलमान योर वाइफ फाइनली, आपको इतने अरसे बाद फाइनली वाइफ मिल गई है। आज भाई की खैर नहीं, मतलब रात को मौसम भी बड़ा सुहाना है और सवाद की ठंडी ठंडी हवा, दिलकश पहाड़, क्या बात है क्या बात। शबनम ये काम मत करो शबनम, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, अभी टाइम बहुत कम है। फाइनली हमारे साथ अब सलमान की वाइफ मौजूद है, ठीक है जी। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? सो गाइस अब हम रेडी हैं उस चीज के लिए, जिस काम के लिए हम उनको आए हैं तंग करने के लिए, और हम प्रैंक करेंगे और लेट्स सी कि हमारा प्रैंक कितना कामयाब होता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, अभी एडिटिंग करते हैं इसको और सेट करते हैं, तो हमें उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। क्यों अहमद कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही है? परफेक्ट परफेक्ट। ओके, काजल शाजल नहीं लगाया मैं, बस ये है कि ग्लासेस होती ना तो ओके हो जाता। फाइनली वी रीच्ड अदनान भाई और ये सारे, ठीक है। तो फाइनली अभी हम अदनान भाई के घर में इंटर होने जा रहे हैं। भाई आ चुका है, ये वो हैं, ये दूल्हे। यासिर भाई, यासिर मेहमान है दिलाला। यासिर भाई तस्वीर तस्वीर लेनी है। ये दूल्हे हैं, ये दे भी है कौन शो कर। यासिर भाई सरप्राइज है कौन? यासिर भाई पूरे पूरे लाल हो गए। यार यासिर भाई आप पूरे पूरे लाल हुए। यार मैं सोच रहा था ये कौन है, मैं ये कल पहुंचा है, जब मैंने आपको बताया ना रात को पहुंच रहा है, कल रात को सरप्राइज आएगा।
तो वो जब आपने इसको बताया फिर निकल आए थे। यासिर भाई बहुत लाल हुए हैं, अभी तक लाल है। यासिर भाई, यासिर भाई का भी ससुराल यार। मैं परसों कल शाम को पहुंचा, ऐसे भाई वजना वजना बस कुर्सी दे दूंगा। हां मैं कल वापस जा रहा हूं। मैं बस ये अच्छा यासिर भाई अब आप बताएं जी मुझे। हां बताएं क्या हुआ। नहीं नहीं सही सही बताएं कि क्या आपका मुझे बहुत सरप्राइज मिला और मैं इतना खुश हुआ कि मुझे झटका लगा। झटका किससे? वो लड़की से? आने से। अच्छा लड़की से? नहीं बिल्कुल नहीं, लड़की से। लड़की से जो आप मिले लड़की से हल्का झटका लगा था कि क्यों गले मिल रही है, कौन है। लेकिन मुझे शक हुआ था कि ये लोग कमीने हैं, ये कमीने कुछ करेंगे। मजा आया कि नहीं आया? मज़ा बहुत आया और हसन भाई ने मुझे सरप्राइज दिया और ये आया, तो ये मेरे लिए बहुत कुछ है। बहुत आई लव। ऐसे भी पढ़ाई कर रहा है।